बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे और फिनॉल में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, किन किन विधियों से फिनॉल बनाया जाता है, और उसके बाद फिनॉल में उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़े थे लास्ट टाइम पर, और उसी के बाद आज हम लोग पढ़ते आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण क्या क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण में इसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या होती है। तो भौतिक अवस्था ये लिक्विड होता है, सामान कलरलेस होता है, इसका रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, लिक्विड होता है ये, लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन कलरलेस होता है, रंग नहीं होता है इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कम होता है। लाइट और एयर की प्रेजेंस में, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात यह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में यह डार्क कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सामान्यतः प्योर स्टेट है, जब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है तब तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जब लाइट की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाने से ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, या पिंक, डार्क पिंक या रेड या ब्राउन कलर का दिखता है, पिंक या रेड भी दिखता है, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना इसका ऑक्सीडेशन कित हद तक हुआ है, कितना हुआ है, और इसमें जो स्मेल आती है विशेष प्रकार की कार्बोलिक स्मेल आती है। कार्बोलिक स्मेल को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे कि लाइफ बॉय का साबुन होता है, लाइफ बॉय के साबुन की जैसी महक होती है उसी तरह से महक फिनॉल की होती है। तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जब हम कभी फिनॉल का एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो सबसे पहले बता देते हैं कि लाइफ बॉय की गंध, साबुन जो आता है लाइफ बॉय उसकी गंध सूंघो, वो जैसी उसकी गंध होती है सेम उसी प्रकार की फिनॉल की गंध होती है। तो ये कार्बोलिक स्मेल इसको कहते हैं, विशेष प्रकार की गंध होती है इसकी। और इसका जो सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी जो विलेयता होती है, ये अल्प विलेय होता है, लेस सॉल्युबल होता है, अल्प विलेय या लेस सॉल्युबल होता है। लेकिन इसी फिनॉल के जो डाई रूप, ट्राई रूप होते हैं, मतलब OH ग्रुप दो लगे, तीन लगे, तो वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिनॉल लेस सॉल्युबल होता है, बहुत ही कम विलेय होता है। OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज पोलर, फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो पोलर होता है, पोलर मतलब ध्रुवीय होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो पोलर या ध्रुवीय होता है, और इसमें OH बॉन्ड है, तो OH जैसे अल्कोहल में भी लगता था तो वो कैसा होता था, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वो जल में विलेय होता है, जल में घुलनशील होता है। तो इसमें फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। इसकी जो इसमें एरोमेटिक जो रिंग होती है बेंजीन में, एरोमेटिक रिंग, ये हाइड्रोफोबिक नेचर, ये एरोमेटिक रिंग जो होती है फिनॉल में, तो ये एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जल विरोधी, और जल विरोधी होने के कारण ये जल में अल्प विलेय, जल में घुलता है। तो ये एरोमेटिक जो रिंग होती है फिनॉल में वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है ना, जिसके कारण OH जो ग्रुप का विलेय करने पर प्रभाव इसका घट जाता है। OH जो है ये एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक होता है, तो OH ग्रुप का जो विलेय करने पर इसका प्रभाव घट जाता है, तो ये जल में बहुत ही कम विलेय होता है। हाइड्रोफोबिक जल विरोधी, जल का विरोध करने में, जल में घुलता ही।
इसके बाद इसमें जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हेलो एल्केन की तुलना में, हेलो एल्केन जो होते हैं क्लोरोबेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमो, तो ये जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी तुलना में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या विशेषता होती है इसकी, कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, भाई हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन फिनॉल, तो फिनॉल में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, वैसे नहीं हाई होता, और ये जल में बहुत ही कम विलेय होता है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखी। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे कि हेलो एल्केन जो ये इसमें जो एल्कोहल होते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जो एल्कोहल होते हैं उसमें भी OH ग्रुप होता है, फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है, तो बहुत सी जो प्रॉपर्टीज एल्कोहल को हैं वो फिनॉल के जैसी होती है, फिनॉल के समान ही होती है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस होता है, किसके कारण, जो इसमें एरोमेटिक रिंग होती है उस रिंग के कारण इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो हम लोग आगे अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि फिनॉल में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या होता है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल की किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, किसी धातु से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम से कराएं तो यहाँ क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन रिंग ओ एन ए, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार देखिए इसमें अगला पॉइंट एसिलेशन या एसिलीकरण, एसिलेशन या एसिलीकरण क्या होता है, इसमें फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराएं तो क्या, फिनॉल का ये OH का H और एसिटिल क्लोराइड का Cl, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं, और ये CO CH3 C6H5O से इसी तरह जुड़ जाता है, C6H5O CO CH3, तो क्या बनाएंगे, फिनाइल एसीटेट, मतलब C6H5COCH3 हो जाएगा, तो ये फिनाइल एसीटेट बनता है। इसी प्रकार से फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर ये एलिफेटिक लगा, ये एरोमेटिक लगा दिया, वही सी है, तो ये एसिटिल क्लोराइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन लगी तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया, तो बेंजोइल क्लोराइड के फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये एच और सी एल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एच सी एल, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाएगी, NaOH, ये कराएंगे प्रिडिन की प्रेजेंस में, और ये NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं फिनॉल की बेंजोइल क्लोराइड की, तो HCl बन जाएगा और C6H5O और ये CO C6H5, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल बेंजोएट, C00 बन जाएगा, C00 क्या होता है, एस्टर, तो एस्टर में क्या लगता है, OH लगता है, तो ये बन जाएगा फिनाइल बेंजोएट, और इस रिएक्शन को जिसमें कि एसिलीकरण की क्रिया कराई जाती है फिनॉल की बेंजोइल क्लोराइड से NaOH की उपस्थित में, क्षारों की उपस्थित में, तो इस प्रक्रिया को
सार्टन बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं, सार्टन बॉमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का विशेष नाम भी है, तो सार्टन बॉमन रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन फिनॉल के कुछ हम लोगों ने पढ़े, और इसी के पश्चात केमिकल रिएक्शन और आगे कल पढ़ेंगे इसी, और इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट करेंगे, तैयार करेंगे।